Assalamualaikum guys, I hope you all are well and welcome into another vlog, another video. As you guys know, we are making universities video series. तो आज हम जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे वो किर्गिस्तान के सिटी जलालाबाद में सिचुएटेड है. यूनिवर्सिटी का नेम है जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी. किर्गिस्तान के सेकंड लार्जेस्ट सिटी जलालाबाद में सिचुएटेड है. जलालाबाद की जो पॉपुलेशन है इट्स अबाउट 1 मिलियन. अगर हम PMC की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी जो है PMC ए लिस्टेड है. अभी तक किर्गिस्तान में 3 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो PMC से ए लिस्टेड है, उनमें जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी भी एक है. इसके अलावा गाइस अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, तो डिफरेंट कंट्रीज से स्टूडेंट स्टडी के लिए इस यूनिवर्सिटी में आते हैं. इसमें मेजोरिटी जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स की है, उसके बाद पाकिस्तान स्टूडेंट्स हैं, और उसके अलावा जो है वो बांग्लादेश से भी काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें स्टडी के लिए आते हैं. क्रिश्चियन स्टेट्स हैं जो दूसरी, उनमें से भी काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें स्टडी के लिए आते हैं, और सम यूरोपियन कंट्रीज से भी स्टूडेंट्स आते हैं इसमें MBBS के लिए. तो गाइज आज हम आपको जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं, इसका जो यूनिवर्सिटी बिल्डिंग है, इसका जो हॉस्पिटल है और इसके जो हॉस्टल्स हैं, उसके बारे में डिटेल रिव्यू देंगे. तो जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो किर्गिस्तान में जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सबसे जो है वो लो फी पैकेज जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का है. इसके अलावा गाइस अगर हम बात करें टीचिंग स्टाफ की, तो रशियन लोकल टीचिंग स्टाफ भी यहाँ पे जो है वो टीचिंग का फ्राई सारा अंजाम दे रहा है. इसके अलावा पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी टीचर्स भी इसमें इस यूनिवर्सिटी में टीचिंग कर रहे हैं. स्पेशली जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनको पाकिस्तानी टीचर्स होने की वजह से काफ़ी एज हो जाता है कि वो उनको अपनी जो लोकल हमारी लैंग्वेज है उसमें भी उनको कम्युनिकेट करके और जितनी भी चीज़ें हैं उनको डिटेल में समझा सकते हैं. क्योंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी है, तो जितने भी किर्गिस्तान में गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब में से लोएस्ट फी पैकेज जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का है. इसके अलावा अगर हम बात करें इसके हॉस्टल्स की, हॉस्टल में जो फूड स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है उसके बारे में, तो चूंकि इंडियन, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की मेजॉरिटी होने की वजह से यहाँ पर जो फूड है हमारी ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है. तो पाकिस्तानी और इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनको फूड के हवाले से किसी भी किस्म की जो है वो प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलती, क्योंकि जितने भी शेफ़ हैं, जितने भी वहाँ पे फूड बनाने के लिए जितने भी वहाँ पे लोग हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान और इंडिया से हायर किए जाते हैं. तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए फूड के रिगार्डिंग किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं होता. इसके बाद बात करते हैं हॉस्टल्स की. जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए सेपरेट हॉस्टल्स बनाए गए हैं. बॉयज़ का हॉस्टल यूनिवर्सिटी बिल्डिंग के बिल्कुल साथ है, और उसके साथ यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स हैं, उसके साथ इनका हॉस्पिटल है, और उसके साथ गर्ल्स के हॉस्टल्स हैं. तो जितने भी जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की चीज़ें हैं, हॉस्पिटल्स हो गए, हॉस्टल्स हो गए, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, वो सारी एक एरिया में है, एक अहाते में है. तो स्टूडेंट को ये भी काफ़ी एज होता है कि हॉस्टल से उनको ट्रैवल करके बहुत दूर नहीं जाना पड़ता क्लासेस के लिए यूनिवर्सिटी में. वो बिल्कुल पास में हॉस्टल होने की वजह से वॉकिंग डिस्टेंस पे हॉस्टल बनाए गए हैं, तो वो यूनिवर्सिटी में अपनी क्लासेस लेने के बाद वापस आ जाते हैं, और अगर उसी दिन में कोई और क्लास हो तो वो दोबारा भी चले जाते हैं. तो ट्रैवलिंग के लिए, तो हॉस्टल में आने जाने के लिए किसी किस्म का जो है वो स्टूडेंट्स को इशू नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्सिटी और हॉस्टल्स बिल्कुल आसपास बनाए गए हैं. तो जलालाबाद किर्गिस्तान के दूसरे सिटीज़ से बाय रोड भी जो है वो जुड़ा हुआ है. उसके अलावा यहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, और बिश्केक से फ़्लाइट यहाँ पे ऑपरेट करती हैं. जलालाबाद के बिल्कुल पास में एक सिटी है ओश, 100 किलोमीटर्स के फासले पर, वहाँ पर भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. तो हर लिहाज से ये सिटी जो है वो दूसरे सिटी से कोऑर्डिनेशन में है, किसी किस्म का भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का कोई इशू देखने को नहीं मिलता. इसके बाद गाइज आपको जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की क्लासरूम्स दिखाएंगे, उसका यूनिवर्सिटी इंटीरियर जो है वो दिखाएंगे, यूनिवर्सिटी बिल्डिंग जो है वो दिखाएंगे, और इसका जो हॉस्पिटल है वो दिखाएंगे. जितनी भी चीज़ें हैं जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की वो आपको एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री में हम दिखाएंगे. आप वीडियो देखें, उसके बाद आपसे बात होती है. Thank you.
तो ये थी जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जितनी भी चीज़ें हैं वो आपने डिटेल में देखी। इसके बाद अगर हम बात करें एडमिशंस की, तो एडमिशंस ओपन है फॉर सितंबर इनटेक 2021 फॉर बोथ इंडियन एंड पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, और इसके अलावा बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के लिए भी जो है वो एडमिशंस ओपन है। सो गाइज, एडमिशंस आर ओपन जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। चूँकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और इसका लोएस्ट फीस स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से हम काफ़ी लिमिटेड सीट्स जो हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर रहे हो तो यू कैन टेक आवर सर्विसेज। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हैं, आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। जितनी भी चीज़ें आपकी, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी क्वेरीज होंगे, इंशाल्लाह हम डिटेल में सॉल्व कर देंगे, और उसके बाद आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप हमें फॉरवर्ड करेंगे, और आपका जो फर्दर एडमिशन के लिए प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज़ आपका एडमिशन लेटर और वीज़ा प्रोसेस हम कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइज, ये थी जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में हमने आज आपको डिटेल में रिव्यू दिया है। इसकी यूनिवर्सिटी बिल्डिंग, इसका हॉस्पिटल और जितनी भी चीज़ें थी इसके रिगार्डिंग, हर चीज़ हमने जो है वो आपको डिटेल में बताई है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम आपको जलालाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल है वो उसका रिव्यू देंगे, गर्ल्स का हॉस्टल, बॉयज़ का हॉस्टल, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताएंगे, ताकि इस यूनिवर्सिटी के बारे में जितनी भी आपकी क्वेरीज, स्टिल क्वेश्चंस हैं, वो क्लियर हो सके। सो गाइज, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज वेल, तो फ्यूचर में हम जो भी अपनी वीडियो अपलोड करें वो आपको आपके सर्च बार में मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।